बिजली विभाग लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन पूर्वी चंपारण के पताही में एक मजदूर का 2 महीने का बिजली बिल 32,11,000 का बिजली बिल भेजकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। अभी तक हम लोगों ने बिजली के करंट के झटके को तो समझ रखा था कि अगर बिजली का करंट लग जाए तो आदमी जिंदा नहीं बच पाता, उनकी लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर वही बिजली विभाग का करंट लग जाए तो स्वाभाविक है कि दिल की धड़कन रुक जा सकती है, आम आदमी पृथ्वीलोक से यमलोक जा सकता है। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के सरैया गोपाल वार्ड संख्या 12 की, जहां के एक दैनिक मजदूर संदीप कुमार को बिजली विभाग ने करंट का झटका लगाते हुए 2 महीने का 32,11,000 और 530 रुपये का बिल थमा दिया है। इसके बाद से ही मजदूर का होश पूरी तरह उड़ गया है। यहां बता दें कि पहले के बिजली मीटर से बिजली बिल की गड़बड़ी को दूर करने के लिए बिजली विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की पूरे बिहार में शुरुआत की थी, लेकिन अब यह व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। मोतिहारी के पताही प्रखंड के सरैया गोपाल पंचायत के वार्ड संख्या 12 से जुड़ा है, जहां पर बिजली विभाग ने एक मजदूर संदीप कुमार राउत को 32,11,530 का बिल थमाकर उसे हैरत में डाल दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिजली का बिल मात्र 2 महीने का है, जबकि घर में सिर्फ 5 बल्ब के साथ 3 पंखों का ही उपयोग होता है। इधर बिजली बिल नहीं जमा करने के कारण बिजली विभाग ने संजय कुमार राउत के घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया है। अब संदीप कुमार राउत बिजली कनेक्शन काटने के बाद ऑफिस का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। संदीप का कहना है कि बिजली का कनेक्शन उसके चाचा के नाम से था, चाचा की मौत के बाद से ही वो बिजली मीटर अपने नाम कराने के लिए कई बार विभाग के ऑफिस गए, लेकिन अभी तक बिजली बिल उसके मृतक चाचा के नाम से ही आता है। संदीप के घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के पहले रीडिंग मीटर होता था, जिसका बिल प्रति महीने 210 रुपये के आसपास आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद एकाएक 32,00,000 रुपये से ऊपर का बिल आना संदीप के लिए कोई 8वीं अजूबा से कम नहीं है। संदीप राउत ने बताया कि जुलाई महीने में उसका बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई थी। इसके बाद उसने 500 से अपने मीटर को रिचार्ज कराया, लेकिन रिचार्ज करने के बाद भी बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हुई। तब उसने बिजली विभाग में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आपके ऊपर 32,11,530 का बिजली बिल बकाया है, जिस कारण आपकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है, और साथ ही बिजली विभाग ने जो संदीप राउत को बिजली का बिल दिया है उसमें विभाग की ओर से यह बताया गया है कि आपने 1 महीने में 9,65,195 यूनिट की खपत की है, जिसका बिल 32,00,000 से ऊपर का है। वहीं संदीप के अनुसार वह प्रतिदिन मजदूरी कर 300 रुपये से 400 रुपये कमा पाता है, जिससे उसकी घर की माली हालत भी ठीक नहीं है। अब वो इतनी राशि कहाँ से जमा करे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संदीप कुमार राउत। इतना का बिल कैसे आया? इससे पहले जो हम सारा रिचार्ज मतलब बिल भरे चल गए, ओकरा बावजूद भी जब इससे पहले हम 200 का रिचार्ज कर ली, ओकरा बाद में 100 रुपये का रिचार्ज कर ली, ओकरा बाद हम 500 का रिचार्ज कर ली, जब ओकरा बाद जब रिचार्ज करे लगली है तो ओकरा बाद में ये आ गए एक 32,11,553 रुपया। हम हैरान हो गए, भैया ये आ कहाँ से गया? कहने का वजह फिर हम कंप्लेन कस्टमर कर रखी है, वो कंप्लेन नंबर लिख करके दे दिया। फिर उसके बाद में अगला दूसरा आदमी बोला कि इसको जो है आप STO ऑफिस जाइए, वहाँ भी कंप्लेन लिख करके दे दिए हैं और उसका कोई निदान नहीं हुआ अभी तक। क्या आपने विभाग से संपर्क किया? विभाग से संपर्क किए, उस दिन हम 2 दिन उसके वहाँ दौड़े हैं विभाग मतलब पताही प्रखंड में, देख कर भी आए कह के भी आए, कोई आने का राजी नहीं है। विभाग ने क्या कहा? विभाग बोला कि आप ढाका जाइए, वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ से जब होगा जब यहाँ आएंगे। तो बिल जो है इतना आया है, आप कैसे जमा करेंगे? अब हम कैसे जमा करेंगे? हम घर भी बेच देंगे जब भी हमारा पूरा नहीं होगा, घर भी बेच देंगे, घरारी भी बेच देंगे, खेत भी बेच देंगे जब भी नहीं होगा हमारा इतना पूरा। हम सब कुछ बेचने के बावजूद भी हम यहाँ कहाँ से पूरा कर पाएंगे हम इसको? क्या